कल था मैं आज हूँ। मौत से कितनी दूर छिपेगा? आगे न कहूंगा, बाकी हाथ घोर तो सब निम्न पाना। दोस्तों स्वागत है आपका भोजपुरी कलेक्शन में। इस वीडियो में आप सभी बताने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में 2023 में दो फिल्म सिनेमा घरों पे उतारा गया है, जिसमें बता रहे पहली फिल्म बता रहे भोजपुरी के डनी स्टार के साथ लाल यादव जी फिल्म में फरिश्ता, वही दूसरी फिल्म में पावर स्टार पवन सिंह फिल्म में अमर सम्मान। इस फिल्म जो है सिनेमा घरों पे दोबारा से उतारा गया है विदेशों में, यानी 24 जून से, और आज सिनेमा घरों पे उतरे हुए टोटल बता रहे की 1 दिन के हो गए हैं। और 1 दिन में बता रहे की कितना कलेक्शन की है, ये दोनों फिल्में से कौन सा सबसे ज्यादा कमाई कर रही है, आज की वीडियो में आप सभी को पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट से देते रहे, अगर अभी भोजपुरी के ट्रेनिंग स्टार के साथ लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह के पहनो। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भोजपुरी के ट्रेनिंग स्टार के साथ लाल यादव जी की फिल्म है फरिश्ता फिल्म के बारे में। ताकि दोस्तों बता दें भोजपुरी के ट्रेनिंग स्टार के साथ लाल यादव जी फिल्म फरिश्ता, इस फिल्म का ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया था वेब म्यूजिक ऑफिशियल की यूट्यूब चैनल पे 22 फरवरी 2023 में। इस फिल्म का ट्रेलर को भोजपुरी दर्शक खेसारी लाल यादव जी के फैंस बहुत ज्यादा पसंद किए थे। तो चलिए अभी आप सभी को बताते चले भोजपुरी के ट्रेनिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी की फिल्म फरिश्ता, इस फिल्म के बारे में बात करो तो इस फिल्म में स्टार कास्ट नजर आएंगे। बता रहे भोजपुरी के ट्रेनिंग स्टार खेसारी लाल यादव, मेगा श्री, पूजा गांगुली, अमरीश शुक्ला और बता रहे भोजपुरी इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकार इस फिल्म में काम करते आप सभी को देखने को मिलेंगे, जो की आप सभी इस फिल्म में ट्रेलर भी देख रहे होंगे। बात करें फरिश्ता फिल्म को डायरेक्ट करे लाल बाबू पंडित, प्रोड्यूस करे यश रेड्डी। लाल बाबू पंडित के डायरेक्शन में बनने वाली कोई फिल्म है तो हमेशा सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर होती है, जो की एक बेहतरीन डायरेक्टर है, कई फिल्म डायरेक्ट कर चुके खेसारी लाल यादव जी की फिल्म को। चलिए अभी बात कर लेते हैं भोजपुरी के ट्रेनिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी फिल्म फरिश्ता, इस फिल्म के कहानी बात कहानी दोस्तों बता रहे लव स्टोरी ड्रामा फुल एक्शन पैक मूवी, और इस फिल्म में जो कचले के कंटेंट को लेकर बनाया गया, जो की बता रहे भोजपुरी सिनेमा घर पे उतारा गया था होली के शुभ अवसर पे, बहुत ज्यादा पसंद किए थे। तो इस फिल्म बता रहे पहले दिन ही सिनेमा घर पे कमाई की थी, बता रहे 2 के आसपास इस फिल्म जो है कमाई कर चुकी थी, जो की बहुत ही अच्छी कलेक्शन की थी। तो दोस्तों आपके हिसाब से इस फिल्म का जो है पहले दिन का कितना कलेक्शन होना चाहिए? तो चलिए अभी बात कर लेते हैं दूसरी फिल्म के बारे में। दूसरी फिल्म में बता रहे पावर स्टार पवन सिंह फिल्म में सिनेमा घर पे उतारा गया है वापस से, बता रहे जिस फिल्म का नाम है हमार सम्मान विदेशों में। हालांकि दोस्तों बता रहे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह फिल्म हमार सम्मान, इस फिल्म का ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया था टीम से फिल्म से ऑफिशियल की यूट्यूब चैनल पे 10 अक्टूबर 2022 में। इस फिल्म का ट्रेलर को बहुत ज्यादा पसंद किए थे दर्शक। चलिए अभी दोस्तों बात कर लेते हैं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह फिल्म हमार सम्मान, इस फिल्म के बारे में बात करो तो इस फिल्म बता स्टार कास्ट नजर आएंगे। बता रहे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, डिम्पल सिंह, अंजना सिंह, साथ ही में फिल्म के प्रोड्यूसर बता रहे राम शर्मा इस फिल्म में काम करते आप सभी को देखने को मिलेंगे, और भोजपुरी इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकार इस फिल्म में काम करते आप सभी को देखने को मिलेंगे, जो कि आप सभी इस फिल्म में ट्रेलर भी देख रहे होंगे। चलिए अभी बात आप सभी को बताते चले भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह फिल्म हमार सम्मान फिल्म को, इस फिल्म को डायरेक्ट करे बता की चंद्रमणि भूषण जी, प्रोड्यूस करे बता की एनआई राम शर्मा जी, और चंद्रमणि भूषण सिंह डायरेक्शन में बनने वाली कोई फिल्म में तो हमेशा सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर होती है, जो की एक बेहतरीन डायरेक्टर है, कई फिल्म डायरेक्ट कर चुके पावर स्टार पवन सिंह फिल्म को। चलिए अभी दोस्तों बात कर लेते हैं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह फिल्म हमार सम्मान, इस फिल्म कहानी बात कहानी दोस्तों बता रहे लव स्टोरी ड्रामा फुल एक्शन पर मूवी, और यह फिल्म कुछ अलग ही कंटेंट अलग बनाया गया। इस फिल्म में बता रहे राम शर्मा जो है भाई का रोल इस फिल्म में काम करते आप सभी को देखने को मिलेंगे एक्शन के रोल में। दोस्तों बता दें भोजपुरी इंडस्ट्री की पावर स्टार पवन सिंह फिल्म हमार सम्मान इंडिया में कमाई करने के बाद अब बता दें विदेशों में उतार दिया गया, बता दें 24 जून से, और इस फिल्म को जो है सिनेमाघर मिले हैं, बता रहे की 65 सिनेमाघर मिले हैं, और इस फिल्म को जो बता रहे की आज सिनेमाघर पे उतरे हुए टोटल बता रहे की 1 दिन हो गया है, और इस फिल्म पहले दिन ही सिनेमाघरों पे कमाई करे विदेशों में 4 से 5 लाख रुपए कारोबार अपना नाम कर चुकी है, और यह फिल्म बता दे पहले दिन ही विदेशों में बता दे कि बम्पर ओपनिंग करते हुए आगे निकल रही है, और यह बता दे कि बहुत ही अच्छी कलेक्शन कर रही है भोजपुरी इंडस्ट्री में, और यह बता दे भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार बता दे विदेशों में कोई फिल्म लगी है। तो दोस्तों आपके हिसाब से हमार सम्मान फिल्म का पहले दिन का विदेशों का कितना कलेक्शन होना चाहिए अपना राज्य, और ये दोनों फिल्म में से कौन सा फिल्म जो पहले दिन का सबसे ज्यादा कमाई होना चाहिए अपना राज्य? तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैं वॉचिंग माई वीडियो।